सारे रिकॉर्डिंग करें और उसमें मजा लेंगे हम। बच्चे कहीं कहीं ना कहीं कौन सा कौन आया कुछ भी उसके ऊपर कुछ रख दो, एक दूसरे से लिंक कराना चाहिए उसमें। आपस में उसमें रखी वहाँ पर हैं लैंडस्केप में देख, ठीक है लैंडस्केप में ऐसे लंबाई में रखो, उसमें वीडियो ठीक चलती है। और इसे लगा दो माइक माइक के लिए भाई करो बैठो लगा है में लगाते इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरा सिस्टम है, इसमें नहीं है, चल लगाओ इसमें लगाओ, इसमें नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है राजेश, यूट्यूब भी होगी भाई, ना ना ना, अरे मंत्री जी ना ये फोन में चलाऊं, अरे करकाओ करकाओ देख ले भाई, ठीक है उसमें सेटिंग रखी हुई लगी सुधा ठीक है, ठीक है लिंक में भेजना भेजो, बस नहीं गड़बड़ होगी इसका, क्या हुआ राइट मोड से नहीं हो पा रहा, राइट मोड नहीं हो रहा, राइट मोड करते हैं उसको, मैं राइट साइड कर देता हूं, तो फोन को लगा रहे हो प्लीज, हम बोल रहे हैं तेरा मन तो भर नहीं सकता, हम बोल रहे हैं दोबारा से भी लाइव कर लेंगे, दोबारा होगा वो कुछ लगा दे रहा थे है, तो बोल लगा कि जो वो करिए जरा अपने अपने लगा दो, आप बताओ अपने साइलेंट करते हैं, साइलेंट कर दो फिर वो बीच में आपका फोन आओ दिक्कत हो जाएगी, मैं अपने से कर सकता हूँ लाइव, नहीं वो उसमें फोन वगैरह उसके हिसाब से बंद हो जाएगा फिर उसके बाद बंद करते हैं, तो धर्म है बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोलो
बोलो श्री दूत राज महाराज की जय। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री भैरव जी महाराज की जय। बोलो श्री प्रेत राज सरकार की जय। बोलो श्री पहाड़ वाले बाबा की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री दूतराज महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री भैरव बाबा की जय। बोलो श्री प्रेतराज सरकार की जय। बोलो श्री पहाड़ वाले की जय। बोलो श्री पंचमुखी हनुमान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री सालासर वाले बाबा की जय। बोलो श्री खाटू श्याम की जय। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलो श्री राधे रानी की जय। बोलो धरती माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बाला जो नाम रटे हो जाए भव पाए, हर तरिया खुशहाल करे वो शंकर का गाता अजर अमर है तेरी गाता। सतयुग में जब चल तू आया शंकर जी तूने नाम धराया। धरती माँ पे संकट छाया विष्णु के संग चल तू आया। अंजनी माँ ने ना तुम जाए केसर जी के पेरा तूने खेल रचाए। चंपापुर में चल के आए विष्णु जी जब यहाँ पे आया श्री राम उन्हें नाम धराया। वानर कुल में जब तुम आए मारुति जी तुम कहलाए। बचपन के मैं खेल छाया सूर्य देव के घर को Thank you.
अजब अनोखा रूप कलयुग में तुम आने बसे ना देखी छाया धूप सियावर राम चंद्र श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए उनके श्री चरणों में अपने दिल रूपी ज्योति समर्पित करते हैं और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, आपने युगों युगों से जिस किसी ने आपके श्री चरणों में ध्यान लगाया है, सबका कल्याण किया है, तो आप हमारा भी कल्याण करें। तो किस प्रकार से भक्तजन सभी देवी देवताओं का मान बढ़ाई करते हुए श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में क्या फरियाद रखते हैं? बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। भाई शुरुआत में भी नहीं करना लिया, किसका नंबर ना है कुछ लेना चाहता हूँ। बोले गुरु भाई जी राम महाराज भाई बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। ये अखंड ज्योत है तेरी चरणों में इसे स्वीकारो, इस ज्योति को लेकर बाबा हमें भव सागर से तारो, और उसने
करते हैं कि हे महाराज, कीर्तन के अंदर भक्तजनों ने आसन लगाया हुआ है, आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें ताकि भक्तजन आपके साथ मिलकर सभी देवी देवताओं का गुणगान कर सकें। और भक्तजनों के श्री चरणों में कैसे प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अगर आपका प्रकाश नहीं है तो भक्तजनों के पास कुछ भी नहीं है, तो अपने इन भाव को गुरु श्री के चरणों में भक्तजन कैसे रखते हैं? बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले गुरु हमारे चल के यहाँ पे आओ, तेरे बिना हमारा आसन सुना इसको आन सजाओ। सबसे पहले गुरु हमारे चल के यहाँ पे सबसे पहले
हम आपके श्री चरणों में आना चाहते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपके दर्शन पा लेता है, जिस प्रकार से माँ गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता है, तो आप तो अंतरात्मा को पवित्र कर देते हैं। तो किस प्रकार से भक्तजन अपने जीवन की सभी समस्याओं को श्री घाटे वाले बाबा के श्री चरणों में कैसे रखता हुआ उनसे प्रार्थना करता है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। गाते आने अरज करूं मैं चरणों की मैं आलन दे माँ गंगा सीधार बवे बाबा मण मण गन नालन दे माँ गंगा सीधार Bye-bye.
Yeah.
जी महाराज के श्री चरणों में फरियाद करते हैं और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, भले बुरे हम जैसे भी हैं, बाबा आपके बच्चे हैं, आप हम सबका कल्याण करें। आपकी अगर छाया भक्तजनों से जरा सी भी दूर होती है तो भक्तजनों की बेचैनी बढ़ जाती है। आप कृपा करके अपनी छत्र छाया भक्तजनों पे बनाए रखें। तो भक्तजनों पे छत्र छाया बनाए रखें, इसके लिए श्री दूतराज महाराज भी किस प्रकार से श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में भक्तजनों की तरफ से फरियाद करते हैं और क्या कहते हैं। बोलो श्री दूतराज महाराज की जय। भले बुरे हम जैसे भी हैं, जय हो बाबा बच्चे थारे, किस तरिया ते हमसे तूने कर लिए आज किनारे, कर लिए आज किनारे। सभी युगों में तूने खेल दिखाए,
श्री चरणों में ध्यान लगाकर अनशन पर बैठ जाते हैं और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप तो हमने अन्न ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, आप दयालु हैं, आप जरूर सब पे कृपा दृष्टि करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। तो इस भाव से भक्तजन उनके श्री चरणों में अनशन करके बैठ जाते हैं और अपने मन के भाव उनके श्री चरणों में कैसे रखते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। अनशन कर के बैठ गए बाबा, कुछ तो सोच विचार करो, अपने इन भगत
तो पे बाबा थोड़ा सा उपकार करो, थोड़ा सा उपकार करो। मन सन करते बैठ नहीं, नमा कुछ तो सोच विचार करो। अपने इन भक्तों पे बाबा थोड़ा सा उपकार करो, थोड़ा सा उपकार करो। बहुत दिनों से बाबा थोड़ा सा उपकार करो।
भक्तजन श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए उनके शक्ति के बारे में बतलाना चाहते हैं कि हे प्रभु, आपकी शक्ति का तो ये सारा जग दीवाना है और इसको सब मानते हैं, तो आप भक्तजनों पर ऐसी कृपा करें कि वो दौड़ दौड़ के आपके श्री चरणों में आपके दर्शन करें। तो भक्तजन किस प्रकार से उनके श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए कैसे फरियाद करते हैं, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। हमने भी माना, तुमने भी माना, तेरी शक्ति का जग है दीवाना, तो अपने रूप का दर्शन कराना, अपने रूप का दर्शन कराना, हमने भी माना, तुमने भी माना, तेरी शक्ति का जग है दीवाना, तो अपने रूप का Thank you.
श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने सभी साथियों को बतलाते हैं कि वह श्री बालाजी महाराज बड़े दयालु हैं। हम जब भी उनके श्री चरणों में जो भी फरियाद करते हैं वो हर पल सब भक्तजनों का कल्याण करते हैं। तो भक्तजन भी समय समय पर श्री संकट मोचन हरि भगवान के श्री चरणों में उनके दर्शनों के लिए पहुंचते रहे ताकि उनका भी ध्यान सभी की ओर बराबर बना रहे। तो इस भाव से भक्तजन किस प्रकार से अपने सभी साथियों को बतलाना चाहते हैं कि बाबा के हमारे ऊपर कैसे कैसे उपकार है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। हम पे है भारी उपकार बाला के, हम पे है भारी उपकार बाला के, चलो 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 दरबार बाला के, चलो 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 दरबार बाला के। Yeah.
श्री बालाजी महाराज की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। दूसरा बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो भक्तजन अपने सभी साथियों को बतलाना चाहते हैं कि वो बाबा बड़े दयालु है, जो कोई भी उनके मार्ग पर चलता है सुबह शाम उनको ध्याता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर रहता है तो बाबा बड़े दयालु है, सबका बेड़ा पार करते हैं। तो किस प्रकार से भक्तजन उनकी लीला का व्याख्यान करते हुए उनकी श्री चरणों में ध्यान करते हुए कैसे कैसे अपने मन के भाव उनके श्री चरणों में रखता है। बोलो श्री बालाजी महाराज। बोलो तुम शुभ और श्याम, लगता नहीं कोई दाम। बोलो तुम शुभ और श्याम, लगता नहीं कोई दाम। हमारे बन जाए बिगड़े काम, लेते रहेंगे तेरा नाम, लेते रहेंगे तेरा नाम। Oh.
से श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए उनके श्री चरणों में उलाना भी देते हैं कि भक्तजनों ने आपके श्री चरणों में जब भी फरियाद रखी आपने हर समय सबका कष्ट मिटाते हुए सबका कल्याण किया है। आप किसी भी फर्ज पर अधूरे नहीं रहे, परंतु भक्तजनों का दिल और आत्मा वो हर समय आपके साथ बंधा रहता है। तो इन भाव को भक्तजन श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कैसे रखते हैं? बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बजरंग बाला मेरा दिल ले गया, जाते जाते भगतों को गम दे गया। बजरंग बाला मेरा दिल ले गया, जाते जाते भगतों को गम दे गया। बजरंग बाला मेरा दिल ले गया, जाते जाते भगतों को गम दे गया। Thank you.
महाराज की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। तो भक्तजन, श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, भक्तजनों ने आपसे जब जो भी मांगा, आपने भक्तजनों को सब कुछ दिया, तो भक्तजन अब आपके दर्शनाभिलाषी हैं, तो किस प्रकार से भक्तजन उनको उन सब पलों के बारे में याद दिलाते हुए कि आपने भक्तजनों का कैसे कैसे कल्याण किया, वो सब याद दिलाते भक्तजन किस प्रकार से उनके दर्शनाभिलाषी हैं, तो कैसे उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। कीर्तन के मैं तेरे नाम की जय हो। हमने जोत जगाई तेरे दर्शन के प्यासे हो बाबा, देख रहे हम राही, देख रहे हम राही। तेरे नाम
भक्तजनों की आप फरियाद सुन के सबका बेड़ा पार करते हैं, तो भक्तजनों को यह पूर्ण आशा है कि जो कोई भी मनोकामना आपके श्री चरणों में भक्तजन रखेंगे तो आप सबकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो किस प्रकार से भक्तजन श्री बालाजी महाराज से फरियाद करते हैं कि आप किस किस प्रकार का आप आशीर्वाद बनाए रखें जिससे आपके भक्तजनों की झोली सदा भरी हो। भक्तजन अपने दिल के भाव श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कैसे रखते हैं? बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। खुशियों से झोली भर देगा, भर देगा भाई भर देगा। खुशियों से झोली भर देगा, भर देगा भाई भर देगा। Thank you.
बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री दूतराज महाराज की जय। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री भैरव जी महाराज की जय। बोलो श्री प्रेतराज सरकार की जय। बोलो श्री पहाड़ वाले महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। Thank you.
Thank you.